पोको ओ एस के लिए 4 में 2.0 का एक बिल्ड आया हुआ है। पोको ओ एस का जो 12.5.10 बिल्ड का रिव्यू किया था, फुल रिव्यू, उसके अंदर इंस्टॉलेशन भी है। तो अगर आप नहीं देखे तो एक बार वो वीडियो कंप्लीट आप देख लेना, उसके बाद ये वीडियो देखना, आपको सारी चीज़ें सही से समझ में आ जाएगी सभी फीचर्स के बारे में, क्योंकि यहाँ पर उतना ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा। उसके बाद ये बिल्ड आया हुआ है, तो इसलिए पिछले वाला देखोगे तो उसमें आपको सारी चीज़ के बारे में डिटेल्स में पता चलेगा। हालांकि यहाँ पर भी काफ़ी सारी मैं कवर कर लूँगा, लेकिन इस बार जो है क्या है कि यहाँ पे इसके दो बिल्ड आए हुए हैं, एक तो परमिशिप वाला, एक इन्फोर्सिंग वाला। अब इन्फोर्सिंग वाला पहले आया था, पहले वाला जो बिल्ड आया था वो सिर्फ डिफॉल्ट इन्फोर्सिंग के साथ आता था। अगर किसी को रिबूटिंग प्रॉब्लम आती थी तो चेंज कर सकता था परमिशिप के अंदर में, ये चीज़ था उसके अंदर, क्योंकि रिबूटिंग वाली प्रॉब्लम आती है इन्फोर्सिंग वाले में। तो इसके अंदर अब इस बार क्या हुआ है कि अब यहाँ पे इन्फोर्सिंग का अलग एक बिल्ड निकाला गया है और परमिशिप का अलग। तो अब जो है आप यहाँ से जो भी फ्लश करना चाहो अपने हिसाब से आप फ्लश कर पाओगे। तो फिलहाल यहाँ पे मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको दे ही दूंगा। फिलहाल हम बात करते हैं कि अब यहाँ पे हमें क्या क्या फर्क देखने को मिल जाता है। तो चलते हैं सबसे पहले अबाउट फोन के अंदर में। तो पोको ओ एस का ये 12.5.10 चार्म 2.0 है ये। हालांकि इसके अंदर क्लिक करोगे तो अपडेटर जैसा जाएगा, पर यहाँ पे इसी तरीके से घूमता रहता है ये, तो इग्नोर करना। बाकी एंड्रॉइड वर्जन 11 ही है और सिक्योरिटी पैच 1 जनवरी 2022 का जो पिछले में था वही सेम रहेगा। ऑल स्पेक्स में चलते हैं, तो यहाँ पे आपका जो कर्नल है इसमें परमिशिप वाला मैं इंस्टॉल किया हूँ, तो इसके अंदर नो ग्रेविटी कर्नल मिल जाता है 3.1.0 का। अगर आप इन्फोर्सिंग करोगे तो उसके अंदर जेन ओएस का R18 वाला कर्नल मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से इंस्टॉल कर लेना, वैसे गेम प्ले तक आप रुके रहना, क्योंकि गेम प्ले के टाइम पे भी आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन इस रोम से रिलेटेड देने वाला हूं, तो वीडियो में बने रहेगा। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पे ऐप बोल्ड की, तो सेम ही रहेगा, वहीं कंट्रोल सेंटर भी आपका सेम ही रहेगा, बिल्कुल स्मूथ काम कर रहा है, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट सेम टाइम पे यूज़ कर पाओगे। एडिट के अंदर जो टाइल्स पहले थे वही नॉर्मल टाइल्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे वॉल्यूम पैनल की बात करें तो इसके अंदर भी ऐसा कुछ खास चेंज नहीं मिलेगा, ट्रांसपेरेंट बिल्कुल पहले की तरह है। पावर मेन्यू हमारा नॉर्मल जो पहले था वही सेम आपको मिल जाता है यहाँ पे। अगर हम ऐप ओपनिंग की बात करें तो ऐप ओपनिंग इसके अंदर फुल एनिमेशन के साथ काफ़ी स्मूथ मिल जाता है। कभी कभार थोड़े हैवी एप्लीकेशन बस पे काफ़ी हल्का सा लैग मिलता, बाकी ऐसे जो है काफ़ी अच्छे से ओपन हो रहा है फुल एनिमेशन के साथ में है। और रीसेंट की बात करें तो ये भी स्मूथ मिल जाता है। अगर रैम की बात करें, मेरा 6 GB वेरिएंट वाला है, तो इसके अंदर मेरा जो है 3 GB करीब मिल रहा है, जबकि पिछला इन्फोर्सिंग जो डिफॉल्ट आता था उसके अंदर 3.7 GB के करीब तक मिल रहा था। तो यहाँ पे परमिशिव है इसकी वजह से ऐसा कुछ, तो फिलहाल यहाँ पे कर्नल की वजह से भी हो सकता है। बाकी अगर हम बात करें कॉलिंग की, तो यहाँ पे इस बार क्या हो रहा है कि इस बार वाईफाई कॉलिंग यहाँ पे शो नहीं करे, काम नहीं करे, काफ़ी बार ऑन ऑफ करके देख लिया, ये चीज़ जो है यहाँ पे काम नहीं करे, जबकि जो बाय डिफॉल्ट इन्फोर्सिंग आता था उसके अंदर काम कर रहा था। अब यहाँ पे जो इन्फोर्सिंग अलग से बिल्ड आया है, अगर कोई इंस्टॉल किया है तो कमेंट करके मुझे बताना है कि उनका काम कर रहा है कि नहीं। बाकी वोल्टी काम करता है, वीडियो कॉल वर्किंग है, ब्लूटूथ ऑडियो मीडिया एंड कॉलिंग दोनों पे काम कर रहा है, कॉल रिकॉर्डिंग भी कर पाओगे। बस वाईफाई कॉलिंग का मेन जो प्रॉब्लम इसके अंदर फिलहाल मुझे देखने को मिला, अगर आपका काम कर रहा है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। एंड कैमरे की बात करें तो कैमरा MIUI 12 वाला ही मिल जाता है, जिसमें क्वालिटी आपको वही 4K 60fps तक देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पे आप जो है सेटिंग से इनेबल कर लेना, वाटरमार्क को बाय डिफॉल्ट ऑफ रहता है तो इनेबल कर लेना, उसके बाद डिवाइस वाटरमार्क भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि जो कैमरा आपको इसके अंदर मिलता है प्रॉपर फुल्ली वर्किंग मिल जाता है, कोई बग इसके अंदर नहीं। बस वीडियो रिकॉर्डिंग में ओवरहीटिंग कभी कभार हो जाता है तो क्लोज होगा, बाकी ऐसे जो है प्रॉपर आपका सारी चीज़ें काम कर रही, स्लो मोशन को लेकर के बाकी सारी चीज़ें, पैनोरामा मोड हो गया, सभी अच्छे से काम कर रहा था। आपका जो यहाँ पे कैमरा है प्रॉपर बिल्कुल वर्किंग मिल जाता, बस वही हीटिंग वाला जो रहेगा वही दिक्कत है, जो कि ओवरहीटिंग करके जो इसे कि क्लोज हो जाता है वो चीज़ देखने को मिलेगा, बाकी अब तक प्रॉपर काम कर रहा है। GKM अच्छे से काम कर रहा है, यहाँ दिक्कत नहीं है। और टूल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा FM काम कर रहा है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर क्वालिटी 100 Mbps वाली रहेगी पहले वाली ही, और फ्रेम रेट 60fps तक। और अब बात करें यहाँ पे गैलरी के बारे में, तो गैलरी हालांकि बाय डिफॉल्ट आपको ओल्ड देखने को मिलेगी, तो अपडेटर के थ्रू अपडेट कर लेना, इसके अंदर अपडेटर मिल जाता है, तो अपडेट करने के बाद लेटेस्ट गैलरी देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपके फिल्टर्स सभी जो है लेटेस्ट अब मिल जाते हैं, स्काई भी है और साथ साथ प्रोटेक्टिव वाटरमार्क ये सब भी मिल जाता है, तो अपडेट कर लेना। अपडेटर इसके लिए अंदर दिया गया, ग्लोबल स्टेबल सपोर्ट किया गया। तो एंड प्ले स्टोर इसके अंदर अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे सर्टिफाइड नहीं मिल रहा है बाय डिफॉल्ट, जो कि इन्फोर्सिंग पहले जो डिफॉल्ट आता था उसके अंदर मिलता था। अब इस बार जो है इन्फोर्सिंग अलग से भी बिल्ड आया, तो उसके अंदर अगर किसी का सर्टिफाइड मिल रहा है तो कमेंट करके इसके बारे में बता देना। हालांकि सर्टिफाइड करना होगा तो वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी, दो मेथड के साथ है तो आप देख लेना। एंड यहीं पे अगर हम बात करें ओके गूगल को लेकर के, तो आपका होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन दोनों जगह काम करें, यानी कि स्क्रीन ऑफ एंड ऑन दोनों पे काम कर रहा है, तो यूज कर पाओगे। एंटूड स्कोर हमें 4,24,000 मिल जाता है, जबकि पिछले में 4,19,000 जो है देखने को मिल रहा था, तो सिमिलर है बिल्कुल। अगर हम CPU थ्रोटलर की बात करें तो 72% इस बार हमें मिला है, और पिछले की बात करें तो वहाँ पे 75% देखने को मिला था, जो कि ये भी सिमिलर बिल्कुल मिल रहा है। Geekbench स्कोर हमारा इस बार सिंगल में 5-4 मिला है, और मल्टी के अंदर 2,278 मिला है, वहीं पिछले में सिंगल था 5-1 और मल्टी के अंदर 2,317, जो कि ये भी आसपास ही देखने को मिल रहा है पहले की तरह।
और आप सेटिंग्स में चलते हैं, जैसे कि इसके अंदर अपडेटर मिल जाता है, ग्लोबल स्टेबल सपोर्ट किया गया, तो आप यहाँ से एप्लीकेशन अपडेट कर लेना। कनेक्शन एंड शेयरिंग की अगर हम बात करें तो कास्ट काम करता है और लॉक्सिंग के अंदर टैप टू बैक काम कर रहा है। चार्जिंग एनिमेशन पॉकेट मोड से मिल जाएगा और डिस्प्ले के अंदर भी हमारा रीडिंग मोड हो गया, कलर स्कीम दोनों काम कर रहा है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, फुल स्क्रीन मोड मिल जाएगा। साउंड एंड वाइब्रेशन के अंदर साउंड असिस्टेंट काम कर रहा है और MI साउंड इनहेंसर ये भी बिल्कुल वर्किंग है, ये भी प्रॉपर आपका काम कर रहा है। और अगर हम चलते हैं नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर में, तो यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर जैसे कि कनेक्शन फीड इनेबल कर पाओगे और यहाँ पे जो नोच है प्रॉपर हाइड हो जाता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, पिछले में भी डिटेल्स में दिखाया था, आप देख लेना एक बार अगर आप नहीं देखे पिछली वाली वीडियो, डिस्क्रिप्शन से दे दूंगा। होम स्क्रीन की सेटिंग में सिस्टम नेविगेशन मिलता है और स्वाइप अप जैसे कि कॉर्नर गूगल असिस्टेंट है ये भी काम कर रहा है, तो ये आपका प्रॉपर यहाँ पे भी काम कर रहा है। इसके अंदर भी आपको हल्के फुल्के ही लैग्स कभी कभार देखने को मिलते हैं, बाकी ऐसे जो है अच्छे से काम कर रहा है। बटन आप यूज़ करो या जेस्चर यूज़ करो, दोनों ही अच्छे से यूज़ कर पाओगे। सर्च बार ऐड कर सकते हो, डबल टैप लॉक स्क्रीन मिल जाएगा, अरेंज आइटम इन रीजन मिल जाता है, ये सारी सेटिंग्स मिल जाती है यहाँ पे होम स्क्रीन पे। और जैसा कि इसके अंदर आपको थीम्स भी यहाँ पे ग्लोबल वाला ही देखने को मिलेगा, तो आप यहाँ पे जो है फॉन्ट देखोगे तो नॉर्मल आपको मिलेगा और जो थीम है दो मिल जाती है, उसे स्टोर से आप डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो। और वॉलपेपर भी आपको यहाँ पे ये कुछ वॉलपेपर्स हैं जो कि इसके अंदर आपको देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, हालांकि सुपर वॉलपेपर वाइट बोल तो यहाँ पे नहीं मिलता है। बाकी पासवर्ड एंड सिक्योरिटी की बात करें तो फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक दोनों अच्छे से काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट आपका बिल्कुल फास्ट काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है, और जो फेस अनलॉक है आईआर फेस अनलॉक के साथ काम कर रहा है, तो यहाँ पे आईआर फेस अनलॉक आपका सपोर्टेड है पहले की तरह, यहाँ कोई दिक्कत हमें नहीं मिलती है। और प्राइवेसी प्रोटेक्शन लेटेस्ट ही रहेगा। बैटरी की बात करें तो पिछले में भी आपको अच्छी बैटरी बैकअप के साथ मिलता था और अभी भी जो है अच्छी बैटरी बैकअप के साथ, हालांकि कर्नल चेंज हुआ लेकिन बैटरी बैकअप फिर भी आपको अभी भी जो है यहाँ पे पहले की तरह बिल्कुल अच्छी बैटरी बैकअप के साथ ही मिलता था। यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको ज़रूर मिल जाता पहले की तरह ही है। और ऐप्स के अंदर में वैसे डुअल ऐप एपलॉक का यूज़ कर पाओगे एंड एडिशनल सेटिंग्स के अंदर लैंग्वेज आपकी वैसे सेम रहेगी, पहले वाली रीजन चेंज कर सकते हो। यहाँ पे ब्यूटीफाई वाला वो एक ऑप्शन था जो कि रिमूव हो, जो से भी काम का हमारे नहीं था क्योंकि वीचैट पे वो काम करता है। एंड यहाँ पे डिजिटल वेल्बिंग जो है काम कर रहा है, स्पेशल फीचर्स के अंदर सभी ऑप्शन सेम है, गेम टर्बो हो गया या फ्लोटिंग विंडो सेकंड पे सभी, और लास्ट में आपका बाहर जैसे कि MI अकाउंट हो गया, गूगल अकाउंट, ये सब जो है अकाउंटेंसिंग जो है मिल जाता है। अब बात करें गेम टर्बो के बारे में, तो गेम टर्बो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में तो ओल्ड जैसे देखने मिल रहा है, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। उसे वॉइस चेंजर आपका बिल्कुल प्रॉपर काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ पे गेमिंग मोड भी दिया गया जिसमें आप परफॉर्मेंस या फिर बैलेंस सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे सेलेक्ट किया देख सकते हो ये चेंज हो चुका है, हालांकि इसका अपडेट जो है ऐप जो अपडेटर पे आया था तो अपडेट हो गया, अब जाके ये चेंज हुआ है। तो पहले आपका ओल्ड रहेगा बाय डिफॉल्ट, बाद में जो है अपडेट कर लेना एप्लीकेशन तो लेटेस्ट हो जाएगा। एंड ग्राफिक आपको बाय डिफॉल्ट जो पोको की अनलॉक होती है स्मूथ पे एक्सट्रीम, बाकी सभी पे HDR तक अल्ट्रा मिल जाता है। तो उसी तरीके से तो हम यहाँ पे स्मूथ एंड एक्सट्रीम पे खेल रहे हैं। और परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो परफॉर्मेंस अभी भी आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ मिल रहा था, यानी कि आपके परफॉर्मेंस या बैटरी में इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। जैसे कि स्कोर भी आपको दिखाया सभी का सिमिलर ही पहले की तरह, यहाँ ऐसा कुछ खास फर्क नहीं पड़ा, यानी कि अभी भी आपको परफॉर्मेंस पहले जैसे मिल जाती है और इसकी जो बैटरी है वो भी अभी भी आपको अच्छी देखने को मिल जाती थी। यहाँ पर जो है आपका परफॉर्मेंस या बैटरी अच्छा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर जैसे कि दो बिल्ड आए हुए इन्फोर्सिंग और परमिशिप का, तो अगर यहाँ पे पिछला अगर आप पिछला वाला बिल्ड कोई यूज़ कर रहा है प्रीवियस बिल्ड पे है, तो आप चाहे परमिशिप वाला इंस्टॉल कर रहे हो या फिर इन्फोर्सिंग वाला, इस बार जैसे कि दो बिल्ड आए हैं, तो अगर आप पिछला यूज़ कर रहे थे इन्फोर्सिंग वाला जो, उसके ऊपर आप 30+ कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, 30+ कर सकते हो, तो ये चीज़ हो गया। एंड सेकेंड चीज़ की अगर हम बात करें कि अगर आप इन्फोर्सिंग इंस्टॉल किए हो, यानी कि इस बार जो इन्फोर्सिंग आया है वो फुल रोम डाउनलोड करके आप फ्लश किए हो इन्फोर्सिंग वाला, और अगर आपको रिबूटिंग प्रॉब्लम आ रही तो आप इन्फोर्सिंग से परमिशिप उस वाले को ही चेंज कर सकते हो। जरूरत नहीं कि आप डाउनलोड करो परमिशिप वाला रोम पूरा फ्लश करो, तो आप जो है उसी को इन्फोर्सिंग वाले को ही परमिशिप जो है चेंज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और पिछले वाले पे आप जो है अगर बिल्ड पे थे तो आप इन्फोर्सिंग इस बार फ्लश कर रहे हो या परमिशिप फ्लश कर रहे हो, 30+ करके आ सकते हो पिछले वाले बिल्ड से। और पिछले वाला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उसी में इंस्टॉलेशन भी बताया था, तो आप देख लेना, उसके अंदर फुल रिव्यू था। अगर कुछ मैं मिस किया तो उसके लिए आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसलिए हमेशा मेरा जो है लास्ट गेम तक आप देखा करो, क्योंकि गेम के टाइम पे भी काफी सारी चीजें मैं कवर करता हूं, आपको बताता हूं काफी सारी चीजें, काफी लोग मिस कर जाते हैं फिर कमेंट में वही सेम चीज पूछते हैं, तो इसलिए यह चीज भी एक बार देख लिया करो, क्योंकि काफी सारी चीजें मैं जो है लास्ट में भी कवर कर लेता हूं। तो यहां पे जो है चीजें मैं आपको बता दें, किसी के अंदर अगर कोई डाउट कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। बाकी जैसे कि आपको बताया कि अगर आप पिछला बिल्ड यूज करो तो इस बार आप चाहे परमिशन भी फ्लश कर रहे हो या फिर आप इन्फोर्सिंग वाला, 30+ आराम से कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के, क्लीन फ्लश करने की जरूरत नहीं है, 30+ कर सकते हो। और जैसे कि इस बार ये अगर आप फुल रोम ही जैसे कि फ्लश कर रखे हो इन्फोर्सिंग वाला, अब रिबूटिंग इशू आ रहा है, तो आप उस वाले बिल्ड को ही परमिशन में स्विच कर सकते हो बिना
किसी प्रॉब्लम के आपको ज़रूरत नहीं कि आप परमिसिव वाला रोम डाउनलोड करके फ्लश करो, उसी को जो है परमिसिव पे स्विच कर सकते हो। और एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, काफ़ी लोगों को जो है किसी को अगर कोई कन्फ्यूज़न ना हो तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर कोई कस्टम कर्नल जैसे कि फ्लश करता है कर्नल चेंज करना चाहता है तो फिर इन्फोर्सिंग वाले पे चेंज मत करना। इन्फोर्सिंग अगर आप यूज़ करो तो कस्टम कर्नल सपोर्टेड नहीं है, जो डिफ़ॉल्ट कर्नल उसके साथ है वही आपको यूज़ करना है। अगर आप परमिसिव यूज़ करते हो तो परमिसिव वाले के अंदर जो है आप कस्टम कर्नल यानी कि कर्नल को आप चेंज कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बस ये चीज़ मुझे बताना था, तो ये भी डाउट अब आपका क्लियर हो चुका होगा कि कर्नल अगर आपको चेंज करना है तो परमिसिव वाला यूज़ करना है, अगर कर्नल नहीं चेंज करना तो इन्फोर्सिंग वाले पे भी आप रह सकते हो। अगर रिबूटिंग इशू नहीं आ रहा है तो आप उसका यूज़ कर सकते हो, बाकी फिर यहाँ पे आपको जो है परमिसिव करना पड़ेगा अगर आप कर्नल चेंज करना चाहते हो। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।